और बेस्ट ये होगा कि आप लोग अपना कैब बुक करके आओ। हेलो अतरंगी फैम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम चेन्नई में हैं एंड वी आर गोइंग टू मूकाम्बिका टेम्पल विच इज़ इन कर्नाटका। तो वी हैव लाइक क्या बोलते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं टू मैंगलोर सेंट्रल एंड देन वहाँ से वी बुक अ प्रीपेड टैक्सी। सो वॉन्टेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग एंड मैंने पोर्ट ब्लेयर से शुरू नहीं किया बिकॉज इट्स लाइक अ मोनोटोनस थिंग कमिंग टू चेन्नई एंड सेम व्लॉग सेम यूट्यूब शॉर्ट्स, कोई पॉइंट नहीं होता। तो चलो लेट्स होप ये जर्नी अच्छा हो एंड इट्स लाइक अ वन डे ट्रिप, सो लेट्स गो। सो हम फाइनली पहुँच गए थे MGR सेंट्रल एंड दिस वॉज थिंक आफ्टरनून टाइम, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ रेलवे स्टेशन में, तो प्लेटफॉर्म नंबर अभी तक आया नहीं। अच्छा, प्लेटफॉर्म 6 बता दिया हम। तो प्लेटफॉर्म 6 पे है मैंगलोर एक्सप्रेस एंड द लास्ट स्टॉप इज मैंगलोर सेंट्रल, सो दैट्स वेयर वी हैव टू ड्रॉप, लाइक दैट्स द अराइवल लोकेशन। एंड हमने ऑलरेडी लाइक वी बुक द टैक्सी, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग बाई ट्रेन टू मैंगलोर, लाइक कर्नाटका ही। तो इट्स लाइक इन द बॉर्डर, आप केरला से बहुत ईजिली जा सकते हो, चेन्नई से बहुत ईजिली जा सकते हो, मैंगलोर से ईजिली जा सकते हो। तो इट्स लाइक अ वेरी, इट्स सच अ प्लेस, बहुत जगह से आप जा सकते हो। तो या लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज। So the train has finally arrived on the platform and उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी एंड वहाँ पे फ्रूट वाले से पापा ने फ्रूट ले लिया था एंड ही हैज़ फाइनली स्टार्टेड एंजॉयिंग द ट्रिप बिफोर वी ऑल डेड एंड ट्रेन फाइनली स्टार्ट हो गया था। सो हम तो सबसे पहले पेट पूजा में ही बिलीव करते हैं, तो लेस खाने लग गए थे एंड दिस इज़ अ फन टाइम लैप्स दैट आई हैड टेकन। एंड रात को डिनर में भी हम वहाँ पे, अच्छा मतलब हमने पहले से पैक कर दिया था फ्रॉम द स्टेशन एंड गुड नाइट, रात को सो गई थी मैं। तो अर्ली मॉर्निंग फाइनली हम पहुँच गए थे। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 16 hours बाई ट्रेन टू रीच मैंगलोर एंड जो हमने कैब बुक किया था वो भैया भी आ चुके थे एंड वी फाइनली हैड ऑलरेडी बुकड टू डिफरेंट सेपरेट रूम्स इन होटल मनोरमा विच वॉज सजेस्टेड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम बैंगलोर। एंड आई हैव टू टेल यू दिस, काफ़ी अच्छी होटल थी। एज यू एंटर हियर्स टू द राइट इज़ द वॉशरूम विद लाइक अ वेस्टर्न एंड या दैट्स how the washroom is. So this is how we enter the room. It's like a two bedroom seater. So yahan pe you have like a wardrobe to keep all the essentials. This is a mirror and yahan pe dressing table type hai, so it's good. And then yahan pe it's like two single beds here. To aram se, very comfortable. A table, two chairs, one TV and overall the room is quite good, so worth the money. तो हम फाइनली होटल मनोरमा में चेक इन कर चुके हैं। वी लाइक अच्छे से नहा धो के वी आर रेडी। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू उडुपी श्री कृष्ण टेम्पल एंड वहाँ विजिट करके दर्शन करने के बाद देन वी हेड टू मूकाम्बिका टेम्पल। वहाँ मतलब यहाँ से दिस होटल इज़ वेरी नियर टू द रेलवे स्टेशन मैंगलोर सेंट्रल। तो यहाँ से 1 hour लगता है उडुपी श्री कृष्ण एंड वहाँ से फ्रॉम उडुपी श्री कृष्ण टू मूकाम्बिका इट टेक्स लाइक 1.5 hours। सो सुबह सुबह निकल जाते हैं 9 बजे सो दैट वी कैन कम बैक ऑन टाइम। सो लेट्स गो। यू फाइंड ऑल दीज स्मॉल स्मॉल शॉप्स, आराम से शॉप्स पे आ सकते हैं एंड इफ यू वांट चप्पल पहन के भी आ सकते हैं, वरना चप्पल गाड़ी में खोल के भी आ सकते हैं, बट बहुत गर्मी है तो इट्स बेटर कि आप सैंडल्स पहन के आ जाए। सो 2 rupees में यू कैन सबमिट द सैंडल टू अ सेफ कस्टडी एंड वहाँ हम मंदिर भी पहुँच गए थे अर्ली मॉर्निंग एंड चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया, इट टेक्स लाइक अराउंड 15 to 20 minutes एंड भीड़ भी नहीं थी, तो अर्ली मॉर्निंग आना इज़ अ गुड ऑप्शन लाइक आफ्टर 10 o'clock। बाकी दिनों का तो नहीं पता बट दिस इज़ द एक्चुअल पॉन्ड यहाँ से एंड अंदर दर्शन ऑल्सो इट्स वेरी क्विक, अच्छे मतलब लाइन में जाके आराम से दर्शन कर सकते, बट बहुत क्विक दर्शन होता है, बट या अच्छे से दर्शन हो गया। एंड इट टेक्स लाइक 1.5 hours टू रीच फ्रॉम देयर टू मूकाम्बिका टेम्पल एंड आप भीड़ देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा लंबी क्यू थी एंड हम वहाँ खड़े थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट फाइनली हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। तो फाइनली दर्शन अच्छे से हो गए, वहाँ पे पूजा प्रसादम जो भी मिलता है वो सब के लिए यू कैन पे एंड लाइक गेट देम एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मतलब क्या ही बताओ, एंड पैर भी जल रहा है बिकॉज इट्स लाइक कोलतार रोड और हम नंगे पैर ही आना पड़ता है,
But the whole darshan of both the temples were nice. Now we are heading back to having lunch somewhere. Koi jagah vegetarian kha lenge. And then we'll directly via Udupi, we'll go back to Mangalore. Aram se hotel mein rahenge. So overall it took us like 1 hour to do the darshan. Aur best ye hoga ki aap log apna cab book karke aao. So on your personal timings aap log aa ja sakte ho. Varna there is bus stand. Bus stops, मतलब बस से भी आप आ सकते हो. तो देर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू आप लोग वही कर सकते हो. एंड यहाँ चारों तरफ यू कैन सी पूरे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जूस, चाट्स, सब कुछ मिलता है. तो भूख भी जब आपको लगेगी यू कैन डेफिनेटली हैव समथिंग हियर एंड देयर. ओवरऑल दिस वॉज अ वेरी नाइस डे. दर्शन सारे अच्छे से हो गए एंड आई होप यू लाइक वॉचिंग द व्लॉग. सो If you like the video, keep liking, sharing, commenting and subscribing to my channel. Love you all. Bye-bye.